हेलो दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है आज हम बात करेंगे फैम टू सेल के अंदर वोल्टी में हमारा क्या है कि कुछ कोल्स हैं जिन पर हमारा क्या हो रहा है आर आर सी कनेक्शन री हो रहा है ठीक है क्यों हो रहा है वो सब कुछ जानेंगे और उसे कैसे रिजोल्व करना है उस बारे में बात करेंगे जैसे कि हमारा क्वेश्चन है वोल्टी कोल्स आर एक्सपीरियंसिंग आर आर सी रीस्टेब्लिशमेंट कोर्स बाई रिड्यूलिंग फेलियर ड्यूरिंग इंटर फैप मोबिलिटी फैप फेयर इज फैमटो एक्सिस पॉइंट फैम्टो सेल एक्सिस पॉइंट मोबिलिटी इन गुड आर एफ कंडीशन है हमारी सारी आर एफ कंडीशन अच्छी हैं ठीक है उसके बाद भी हमारा क्या हो रहा है रीस्टेब्लिशमेंट हो रहा है यानी आर आर सी करेक्शन री हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसके बारे में जानेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ठीक है तो चलिए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है सबसे पहले जान लेते हैं इशू क्या है क्या इशू आ रहा है हमें देखिए वोल्टिक कोल्स आर एक्सपीरियंसिंग आर आर सी रेस्टेब्लिशमेंट कोज बाई रेडियोलिंग फेलियर ड्यूरिंग इंटर फैम टो एक्सिस पॉइंट मोबिलिटी ओके इन गुड आवर एफ कंडीशंस एफ की फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं फैम टू सेल एक्सिस पॉइंट होती है ठीक डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं वोल्टीकॉल्स आर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश बट यू ई अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म आर आर सी कनेक्शन रेस्टेब्लिशमेंट ठीक है हमारी वोल्टिकॉल सभी सक्सेसफुल हो रही हैं इस्टेब्लिशमेंट हो रही हैं लेकिन उसके बाद भी यू ही हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है आर आर सी कनेक्शन री क्यों कर रहा है देखिए आर आर सी रिस्टेबलिशमेंट ऑफ कॉल्स इज सक्सेसफुल इन मोस्ट केसेस ज़्यादातर केसेस में जो सक्सेसफुल हो रहा है आर आर सी कनेक्शन री परफॉर्म द सैम नोट भी ठीक है लेकिन कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि वो सेम इन नोड भी पर आर आर सी कनेक्शन री कर रहा है बट इन स्मॉल नंबर ऑफ केसेस आरआरसी आर सी कनेक्शन इस्टेब्लिसमेंट इट इज रिजेक्टेड कुछ केसेस में क्या हो रहा है जो आरआरसी कनेक्शन है वो रिजेक्ट हो रहा है रेस्टेब्लिशमेंट रिजेक्ट हो रहा है क्यों हो रहा है बिकॉज द सर्विंग ई नोड भी है चेंज तो हमारा सर्विंग ई नोड भी है वो चेंज हो जा रहा है ठीक है दिस इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ए डी एस वन डी एस की फुलफॉर्म होती है डिजिटल सिग्नल वन उसके बारे में भी जानेंगे ठीक है दिस इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ए डी एस वन वोल्टी कोल्ड्रॉप ठीक एंड इज करेक्टली हैंडल्ड बाय द एपी विद नेसेसरी करेक्शंस इन वोल्टी रेडियो एक्स टेक्नोलॉजी के पी रिपोर्ट ठीक अब इसको जानते हैं हम कैसे एनालिसिस करेंगे जो हमारे यू लोग्स हैं वो शो कर रहे हैं कि दैट द यू कीप्स रीट्रांसमिटिंग द सेम सिक्वेंस नंबर जो हमारा यू है वो रिट्रांसमिटिंग करे जा रहा है सेम सिक्वेंस नंबर्स को बट कोई भी एक्नोलिज नहीं दे रहा है नो एक्नोलिज और नेगेटिव एक्नोलॉजीज आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द एमएसएमसीआई यानी जो एमएसएमसीआई है उससे हमें कोई भी एक्नोलॉजीज या नेगेटिव एक्नोलॉजी रिसीव नहीं हो रही है ये इससे क्या हो रहा है कि लीडिंग द यू टू परफॉर्म आर आर सी कनेक्शन री जो रिलीड कर रहा है यू को आर आर सी कनेक्शन री परफॉर्म करने में ठीक है तो हमें क्या देखना है सेल्ट्रेस फॉर इम्पेक्टेड कॉल्स सो so दैट अगर हम सेल ट्रेसिस करते हैं जितने भी कॉल्स हमारे इम्फेक्टेड हैं इससे उनका तो हम देखते हैं कि आर आर सी कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट इन दीज केसिस फॉलो ए एक्स टू हैंड ओवर ठीक है रिस्टेब्लिशमेंट में वो क्या फॉलो कर रहे हैं एक्स टू हैंड ओवर यानी एक्स टू हैंड ओवर आप जानते ही हैं दो इन ओड बी के बीच में होता है ठीक है तो हैंड ओवर हाउ एवर फॉर सम रीजन्स दोर्स इन ओड बी सैंड ए वैल्यू ऑफ जीरो जो हमारा सोर्स नोड भी है वो क्या वैल्यू सेंड कर रहा है जीरो किसमें एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट वाई में ठीक है इन द एक्स टू ए पी हैंड ओवर रिक्वेस्ट मैसेज ठीक है इस टाइप से इन एडिशन द सिनेरियो ऑलवेज इन्वॉल्व क्यू सी आई वन इस सिनेरियो में क्या इन्वॉल्व हो जाता है क्यू सी आई वन जो आप जानते होंगे क्यू सी आई जमारी नाइन है तो क्यू सी आई वन इन्वोल्व हो जाता है ठीक है इसमें क्या होगा ई रेवोडिकेशन में रूट कोच हमारे क्या निकले उससे वो क्यों हैंड ओवर दे रहा है द रूट कोच ऑफ दिस इज एम एस एम सी आई बग रूट कोच क्या था एम एस एम सी आई का बग था वेयर इफ द एस वन ए पी मोडिफाई रिक्वेस्ट डज नॉट कंटेन द ऑप्शनल यू ई एम बी आर आई ओके देन द फैप यानी फैम टू सेलेक्सिस पॉइंट सेट्स द स्टोर्ड वैल्यू ऑफ ए एम बी आर इन इट्स यू ओके कंटेक्स टू जीरो सब्सिक्वेंट एक्स टू हैंड ओवर विल यूज द वैल्यू ऑफ जीरो देंड ओवर ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट लेटर अपलिंग आर एल सी ट्रांसमिशन फेल ओके रिजल्टिंग डू टू द रिजल्टिंग इन द यू ई टू परफॉर्म आर आर सी कनेक्शन रिस्टेब्लिशमेंट ओके तो ये थे हमारे रीजन्स और इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं इन चीज़ों का अब जान लेते हैं जो मैं बता रहा था डिजिटल सिग्नल यानी डी एस वन होता क्या देखिए डिजिटल सिग्नल यानी डी एस वन समाइम्स इसे हम डी एस वन इस तरह से लिख लेते हैं देखते हैं कहीं कहीं पर इज ए टी कैरियर सिग्नलिंग स्कीम डिवाइज बाई बेल लैब्स ओके डी एस वन इज द प्राइमरी डिजिटल टेलीफोन स्टैंडर्ड यूज इन द यूनाइटेड स्टेट कैनाडा जापान एंड एबल टू ट्रांसमिट अप टू ट्वेंटी फोर मल्टीप्लेक्स वॉइज एंड डेटा कॉल्स ओवर टेलीफोन लाइन्स ओके डी एस वन इज द लॉजिकल बिट पैटर्न यूज ओवर ए फिजिकल T1 line. लाइन practice, the terms DS1 and T1 are often used interchangeably. आर Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल सिग्नल डिजिग्नेशन कितने हैं डी एस जीरो डी एस वन डी एस वन सी डी एस टू डी एस थ्री डी एस फोर एंड डी एस फाइव ठीक है इनके लाइन रेट क्या होते हैं यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं चैनल्स क्या के कितने कितने हैं वो चेक कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से हम इन्हें निकाल लेते हैं तो डी एस वन एक फुल डुप्लेक्स सर्किट है ठीक है जो ट्रांसमिट है वो रिसीव करता है 1.54 पॉइंट मेगा बिट्स पर सेकेंड 1.544 पॉइंट मेगा बिट्स पर सेकेंड को ठीक है तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम्स को यानी जो आर आर सी कनेक्शन रीटेबलेट एस्टेब्लिशमेंट में रही हमारी प्रॉब्लम आ रही थी फैमटो सेल के अंदर तो इस तरीके से हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो बने रहिए इस चैनल के साथ धन्यवाद